नमस्कार। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कॉल स्पूफिंग के बारे में। कॉल स्पूफिंग आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है जो साइबर फ्रॉड्स हैं उनके बीच में, और ये लोग उसका फ़ायदा उठा करके लोगों से मतलब पैसे ऐंठ लेते हैं या कुछ गलत एक्टिविटी करते हैं। कॉल स्पूफिंग बेसिकली ये होती है कि जो आपको कॉल आ रही है, यानी कि जो आपको फ़ोन किया जा रहा है, उसमें जो कॉल आईडी डिस्प्ले होता है वो नंबर को बदल दिया जाता है, तो उसको कॉल स्पूफिंग कहते हैं। जैसे कि आपका कोई ब्रदर है या आपका कोई रिलेटिव है, कोई भी है, या आपका जान पहचान वाला है, उसका जो भी नंबर है वैसा ही वही सेम नंबर से कोई दूसरा कॉल करे जो कि आपका आपका वही रियल पर्सन ना हो, तो इसको कॉल स्पूफिंग कहते हैं। और जनरली ये जो काम किया जाता है ये साइबर जो फ्रॉड करते हैं या साइबर ठग होते हैं वो लोग करते हैं। तो इसमें करने का इनका जो मॉडस ऑपरेंडी होता है वो ये होता है कि ये VOIP मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट बोलते हैं इसको, तो वॉइस ओवर इंटरनेट का सहारा लेते हैं और इसके थ्रू कॉल की CLI को चेंज करने का सिस्टम बनता है। हालांकि ये लीगल नहीं है, ये इलीगल है पूरी तरह से, लेकिन टेक्नोलॉजी ऑलरेडी अवेलेबल है, इसमें इस तरह से लोग करते हैं। तो ये तो हुआ कि भी ये कॉल स्पूफिंग क्या होती है। आइए आपको मैं बताता हूँ कि कॉल स्पूफिंग से लोग कैसे साइबर फ्रॉड्स करते हैं। जनरली क्या होता है, इनका पर्पज होता है पैसे की ठगी, यानी कि आपसे पैसा निकलवाना। तो ये क्या करते हैं, जो बैंक के जो कर्मचारी या मतलब ऑफिसर्स बन के या पुलिस के ऑफिसर्स बन करके आपको फ़ोन करेंगे, या कभी कभी आपके रिलेटिव्स के नाम से भी आपको CLI मिलेगी, उसके नाम से भी फ़ोन करेंगे। जैसे आपने अपने रिलेटिव का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर सेव किया हुआ है, तो जब वो फ़ोन करेगा उधर से तो आपको वही CLI डिस्प्ले होगी। तो आप जल्दी जल्दी में अगर होंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार मेरा भाई ही फ़ोन कर रहा है। और इसमें और भी टेक्नोलॉजी आ गई कि लोग आवाज़ भी बदल देते हैं, मतलब जो पर्सन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसी पर्सन की आवाज़ में बात होने लगेगी। ये थोड़ा सा हायर लेवल की चीज़ है, लेकिन अभी हम लोग कॉल स्पूफिंग पे ही अपना ध्यान कंसंट्रेट करते हैं। तो कॉल स्पूफिंग में जैसे मान ले कोई बैंक का होगा, वो बैंक का नंबर जो भी वहाँ पर जिसमें आप फ़ोन करते होंगे, जो बैंक के नाम से सेव होगा आपके अकाउंट में, आपके मोबाइल में, उसी नंबर से आपके पास कॉल आ रही होगी, तो आप सोचेंगे बैंक का ही ये एम्प्लॉई है जो हमको कॉल कर रहा है। तो ये इस तरह से आइडेंटिटी जो है आप बदल जाती है, तो आप उसको विश्वास कर लेते हैं कि हाँ यार रियल पर्सन है। या कोई पुलिस का आदमी बन करके, पुलिस की आईडी लगा करके वो उसको कॉल करेगा, तो इस तरह से आपको विश्वास हो जाएगा जो दूसरा पर्सन है। मेन चीज़ ये है कि विश्वास दिलाना है कि दूसरा पर्सन जो अदर साइड पे है वो रियल पर्सन है। इस तरह वो लोग विश्वास आपको इन सब माध्यम से, कॉल स्पूफिंग के माध्यम से दिलवाते हैं, ठीक है। तो लेकिन अब इस पे आपको क्या करना है, कैसे सावधान रहना है आपको। तो जब भी ऐसी कोई कॉल आती है, तो जैसे मतलब बैंक से आती है, क्रेडिट कार्ड के डिपार्टमेंट से आती है, तो आप कभी भी अपने बैंकिंग की जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे अकाउंट नंबर है, OTP है, क्रेडिट कार्ड नंबर है, उसके CVV नंबर है, इसको फ़ोन पे नहीं बताना है उनको, किसी भी हालत में बताना ही नहीं है। क्योंकि कोई भी जो ऑथेंटिक पर्सन होता है, बैंक का हो या जो भी लोग होते हैं, वो कोई भी आपका इस तरह से नंबर कभी भी कोई भी नंबर या अकाउंट की इन्फॉर्मेशन नहीं मांगते हैं। जैसे आपको कभी लगे कोई कि कोई भाई फ़ोन कर रहा है, मान लो कभी वाइफ फ़ोन कर रही है और पैसे की डिमांड हो रही है कि पैसा मुझे तुरंत भेज दो और मैं मार्केट में हूँ और मुझे इतनी ज़रूरत है, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मेरा सो एंड सो ऐसा कुछ हो गया है, अगर ऐसे में कभी भी कोई डिमांड आती पैसे की, तो आप फ़ोन को वहाँ पर बोल दीजिए हाँ ठीक है मैं करता हूँ, लेकिन फ़ोन को कट करके आपको कॉल बैक करना है रियल नंबर पे, जो रियल नंबर होगा जो आपके फ़ोन में एक्चुअल में सेव होगा, तो वो जो कॉल जाएगी तो वो रियल पर्सन को जाएगी कॉल। तो इस तरह से आप फिर उससे पूछिए कि हाँ भाई आपने भी फ़ोन किया, तुमने अभी फ़ोन किया था या आपने भी फ़ोन किया था, आपको इस तरह की पैसे की रिक्वायरमेंट, या जनरली मनी के लिए होता है, जनरली मनी के लिए होता है, तो इस तरह से जो है इससे बचा जा सकता है। तो ये मैंने आपको ये कॉल स्पूफिंग के बारे में अवेयर किया। अगर आपको फर्दर कोई और साइबर फ्रॉड से संबंधित या कोई और जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।